हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वाईएसके। आज हम बात करेंगे मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग में हजार्ड क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। क्रेन ऑपरेशन में सेफ्टी मेजर क्या लेना है ताकि वहां पे कुछ एक्सीडेंट नहीं हो, और लिफ्टिंग टैकल सेफ्टी को किस तरह से मेंटेन करना है उसके बारे में जानेंगे, और सेफ ऑपरेशन लिफ्टिंग सेफ ऑपरेशन किस तरह से करना है, मीन्स इसको इंश्योर किस तरह से करना है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हजार्ड इन मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग, तो इसमें क्या क्या हजार्ड है। सबसे पहले इसमें ग्राउंड फेलियर की संभावना हो सकती है, अगर ग्राउंड सही सलामत नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा हो सकता है इक्विपमेंट फेलियर होने की संभावना है। इसमें ह्यूमन फेलियर हो सकता है, यानी आदमी ने गलत ढंग से है जो एंकरिंग किया है मटेरियल को। रिगिंग फेलियर हो सकता है, जो रिगिंग किया गया है ठीक से नहीं किया गया है। लोड फेलियर हो सकता है, कभी कभी लोड भी फेलियर हो जाते हैं, और इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण फेलियर होता हो तो अलग है। इन्वायरमेंटल कंडीशन का मतलब है बारिश में काम करना या काफ़ी जोर से आंधी तूफान आई तो उसमें काम करना, ये सब चीज़ों को देखना है। लाइटिंग सही नहीं होना, वहाँ पे लाइट सही नहीं है, और प्रॉक्सिमिटी हजार्ड मतलब अगल बगल जो भी हजार्ड है, जैसे कि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल केबल का हो सकता है या प्रॉक्सिमिटी में कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, तो इसके कारण भी वहाँ पे हजार्ड हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सेफ्टी मेजर इन क्रेन ऑपरेशन। क्रेन ऑपरेशन अगर कर रहे हैं जिस समय, उसमें सेफ्टी मेजर हमें क्या क्या लेना जरूरी है ताकि क्रेन ऑपरेशन के टाइम में कोई एक्सीडेंट नहीं हो। तो सबसे पहले है कि इंश्योर लिफ्ट प्लान, लिफ्ट प्लान बना हुआ है कि नहीं इसको इंश्योर करना है, और लिफ्ट प्लान में जो सारे चीज़ मेंशन है उसके आधार पे काम करना है। दूसरा है रिस्क असेसमेंट भरना, उसमें रिस्क क्या है या जीएसए करना, जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना, इसको है जो इम्प्लीमेंट करना जरूरी है, फॉलोअप करना है। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट भरना है, उसमें जो चेकलिस्ट दिए रहते हैं उसको फुलफिल करना है। परमिट टू वर्क सिस्टम को लागू करना है। कॉम्पिटेंट ऑपरेटर रिगर एंड सिग्नलमैन होना चाहिए इस काम को करने। क्रेन ऑपरेशन जब भी हो रहा है, यानी मटेरियल लिफ्टिंग जब भी हो रहा है, तो उस वहाँ पे है जो कॉम्पिटेंट ऑपरेटर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट रिगर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट सिग्नलमैन होना चाहिए, ताकि सभी एक दूसरे की भाषा को और सिग्नल को समझते हैं। इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड टूल्स एंड टैकल, तो इसका इंस्पेक्शन किया होना चाहिए और ये सारे चीज़ों का मेंटेनेंस किया होना चाहिए। इंस्पेक्शन का मतलब टीपीआई इसका होना जरूरी है, लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल्स का। उसके बाद फर्म एंड लेवल ग्राउंड होना, जहाँ पे हम इक्विपमेंट को खड़ा कर रहे हैं या लिफ्टिंग इक्विपमेंट को जहाँ पे हम उसको प्लेस कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो ग्राउंड जो हो जाए हो वो फर्म और लेवल होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइन, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर वहाँ पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर पावर ओवरहेड पावर लाइन्स है तो उससे है जो डिस्टेंस को मेंटेन करना है ताकि इलेक्ट्रिक्यूशन का प्रॉब्लम नहीं हो। मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेवेटेड एरिया, एक्सेवेटेड अगर वहाँ पे एक्सेवेशन है कहीं पे जहाँ पे हमको काम करना है तो उससे एक सेफ डिस्टेंस होता है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट है एरिया बैरिकेडिंग करना जरूरी है, जब भी क्रेन ऑपरेशन हो रहा है तो उस समय एरिया बैरिकेड कर दें ताकि दूसरे लोग उस एरिया में प्रवेश नहीं करें। और एडिक्वेट सुपरविजन एंड सिग्नलिंग, ये बहुत ही जरूरी है। वहाँ पे जब भी ये एक्टिविटी चल रही है क्रेन ऑपरेशन का, यानी कि लिफ्टिंग मटेरियल हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे सुपरविजन है जो वहाँ पे अच्छे होने चाहिए और सिग्नलिंग है जो सही ढंग से दिया जाना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड है वो पहनना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ टू मेंटेन लिफ्टिंग टैकल सेफ्टी। अब लिफ्टिंग जो टैकल्स होते हैं उसकी सेफ्टी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले पीरियोडिक उसका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। एसडब्ल्यूएल मार्किंग होना चाहिए, जितने भी लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल है उस पर एसडब्ल्यूएल का मार्किंग, जिसे यहाँ पे देख रहे हैं एसडब्ल्यूएल मार्किंग है, तो इस तरह का मार्किंग होना चाहिए। डेली चेकलिस्ट इसका भरा जाना चाहिए ताकि चेकलिस्ट में पता चल जाए, उसमें सेफ्टी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो उस पॉइंट को अगर टिक मार्क करेंगे तो उसके आधार पर उसको चेक भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पता चल जाएगा उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है। फ्री फ्रॉम कोरोजन, उसमें रस्ट नहीं लगा होना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके ऊपर होना चाहिए, चूंकि टीपीआई हुआ है तो उस पर आईडी मार्क डाला हुआ होना चाहिए। कलर कोड उस पर होना चाहिए।
फिजिकल इंस्पेक्शन उसका करना। फिजिकल इंस्पेक्शन का मतलब ऊपर से देखना है, ऊपर से डैमेज तो नहीं है, कहीं क्रैक तो डेवलप नहीं हो गया है, कहीं टॉर्न तो नहीं हो गया है, ये सारी चीज़ों को उसमें देखना जरूरी है। चलिए अब लास्ट में देखते हैं कि हाउ टू इंश्योर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। अब सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन को इंश्योर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बैरिकेड लिफ्टिंग एरिया, जहाँ पे काम होने वाला है यानी लिफ्टिंग ऑपरेशन होने वाला एरिया को बैरिकेड करना है। प्लेस साइन बोर्ड, वहाँ पे साइन बोर्ड लगाने हैं। फॉलो स्विंग स्पीड लिमिट, स्विंग का स्पीड लिमिट फॉलो करना चाहिए, ज़्यादा स्पीड में नहीं घुमाना है। डू नॉट स्टैंड अंडर सस्पेंडेड लोड, सस्पेंडेड लोड के नीचे खड़ा नहीं होना है। डू नॉट यूज डिफेक्टिव टूल्स एंड टैकल, जो खराब टूल्स एंड टैकल है उसका इस्तेमाल नहीं करने हैं। यूज टैगलाइन का इस्तेमाल करना है, टैगलाइन का इस्तेमाल लोड को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल जरूरी है। कंटिन्यूस सुपरविजन करना जरूरी है। उसके बाद देखेंगे कंटिन्यूस प्रेजेंस ऑफ क्रेन ऑपरेटर, यानी क्रेन ऑपरेटर का कंटिन्यूस प्रेजेंस का मतलब है कि अपने केबिन में बैठा हो, जब तक क्रेन ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता है तब तक वहीं पे उसको क्रेन केबिन के अंदर बैठना है। फॉलो SWL ऑफ क्रेन, क्रेन का जो SWL यानी कि सेम वर्क लोड जो क्रेन का है उसके आधार पे उससे लोड उठाने, उससे ज़्यादा नहीं उठाने। ट्रायल लिफ्टिंग करना है, ट्रायल लिफ्टिंग का मतलब होता है किसी भी लोड को कुछ इंच तक उठा करके चेक करना कि वो सही ढंग से उठ रहा है कि नहीं। अगर वन साइड झुक रहा है तो उसके इसमें फिर उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अवॉइड लिफ्टिंग इन विंडी कंडीशन, अगर विंड है ज़्यादा तो उस केस में लिफ्ट का ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। एडिक्वेट इल्यूमिनेशन होना चाहिए, अगर रात में कर रहे हैं या दिन में भी कर रहे हैं तो ऐसे एरिया है जहाँ पे कि लाइट ठीक से नहीं पहुँच रहे तो वहाँ पे इल्यूमिनेशन का व्यवस्था होना चाहिए, या रात में कर रहे हैं तो एडिक्वेट इल्यूमिनेशन की अरेंजमेंट वहाँ पे होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का सिस्टम वहाँ पे अच्छा होना चाहिए। तो अभी आपने देखा हजार्ड इन मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग क्या क्या हजार्ड है, सेफ्टी मेजर इन क्रेन ऑपरेशन, एंड हाउ टू मेंटेन लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल सेफ्टी, एंड हाउ टू इंश्योर सेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन। ये चार चीज़ों पे हमने अभी बात किया जिसको अभी आपने देखा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।